और इस वीडियो में हम लोग केस स्टडी एंड पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस का डिस्कशन करने वाले हैं ठीक है बच्चों अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आप लोगों को केस स्टडी टाइप के क्वेश्चंस पीडीएफ चाहिए तो आप इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हो वहां पर आपको हमारे टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा उन्हें आप ज्वाइन कर सकते हो आपको केस स्टडी टाइप के क्वेश्चन और टॉपिक टेस्ट एमसीक्यूज के पीडीएफ हमारे ग्रुप्स में मिल जाएंगे मोर ओवर अगर आप लोग अपनी प्रिपरेशन को सुपर स्ट्रांग बनाना चाहते हो तो हमारी क्लास इलेवंथ की मैथमिशियन सीरीज की बुक्स और सैंपल पेपर की बुक को भी परचेज कर सकते हो जिन्हें आप फ्लिपकार्ट या अमेजोन पे ऑर्डर कर सकते हो Flipkart और Amazon के लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिंड कमेंट में मिल जाएंगे Moreover, अगर आप डिस्काउंटेड प्राइस पे अपनी बुक्स को ऑर्डर करना चाहते हैं तो आप हमें दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं अब अपनी वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन की तरफ जाने से पहले सबसे पहले जरा इस क्वेश्चन का आंसर करो इस प्यारे से क्वेश्चन का आंसर क्या होगा सब्सक्राइब तो कर लिया है ना अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट -फड़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन प्रेस कर लो ताकि हर इम्पोर्टेंट वीडियो की अपडेट आप लोगों को टाइम टू टाइम मिलती रहे मोर ओवर ये जो लेक्चर है मैं मिडनाइट में रिकॉर्ड कर रहा हूं तो अगर आप लोग मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए वीडियो को लाइक करके अपने सभी क्लासमेट्स को भी शेयर करो ठीक है आपका यह छोटा सा कंट्रीब्यूशन मुझे मोटिवेट करेगा ताकि मैं आप लोगों के लिए और भी लेक्चर बनाऊ अब चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ केस स्टडी एंड पैसेज बेस्ड क्वेश्चन फॉर क्लास इलेवेंथ टू मेक हर सेल्फ सेल्फ डिपेंडेंट एंड टू अर्न हर लिविंग अ कॉलेज स्टूडेंट डिसाइडेड टू सेटअप अ स्मॉल स्केल बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग हैंड सैनिटाइजर्स She estimated a fixed cost of rupees ₹15,000 per month and a cost of rupees ₹30 per unit to manufacture. Based on the above information, answer the following questions. तो so, पहले क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा हुआ है बच्चों? पहले क्वेश्चन में पूछा हुआ है, यानी A पार्ट में, let x units of hand sanitizers are manufactured per month. What is the function of cost? यानी basically आपको ए पार्ट में कोस्ट फंक्शन बताना है तो अगर मैं कोस्ट फंक्शन को सी से रिप्रेजेंट करूं सी ऑफ एक्स एक्स का मतलब टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स मैन्युफैक्चर्ड पर मंथ यहां पर आपको इंफॉर्मेशन दी गई है क्वेश्चन में ऑलरेडी तो ये जो कोस्ट फंक्शन आएगा ये रुपीज में ही आएगा और ये कैसे आएगा बच्चों सबसे पहले तो फिफ्टीन लिख लो क्योंकि ये आपका फिक्स्ड कोस्ट है दूसरी बात यहां पर जैसा कि आपने पढ़ा कि एक यूनिट के लिए रुपीज थर्टी लगेंगे तो एक्स यूनिट के लिए थर्टी एक्स रुपीज हो जाएगा यह पूरा आपका फंक्शन आ गया जो कि रुपीज में है ठीक है तो ए पार्ट का आंसर यह रहा आपके सामने अब जरा बी पार्ट को पढ़ते हैं इसमें क्या बोला हुआ है इफ ईच यूनिट इज सोल्ड फॉर रुपीज यानी एक यूनिट को सेल करने का प्राइस है रुपीज फोर्टी फाइव देन वॉट इज द सेलिंग फंक्शन दैट इज रिवेन्यू फंक्शन अब अगर रिवेन्यू फंक्शन को हम आर ऑफ एक्स से रिप्रेजेंट करें तो एक आइटम को सेल करने का जो कॉस्ट बता रखा है वो फोर्टी फाइव रुपीज है यानी एक यूनिट का कॉस्ट क्या कास्ट तो फोर्टी फाइव रूपीज है तो एक्स यूनिट के लिए क्या कॉस्ट हो जाएगा तो यह बन जाएगा फोर्टी फाइव एक्स ऑफकोर्स रिवेन्यू फंक्शन भी रुपीज में ही होगा अब जरा थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं इसमें क्या बोला हुआ है हाउ मैनी यूनिट्स शुड बी मैन्युफैक्चर्ड एंड सोल्ड फॉर ब्रेक इवन अब ये ब्रेक इवन का मतलब क्या होता है ब्रेक इवन का मतलब यहां बता भी रखा है नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन तो बेसिकली थर्ड क्वेश्चन में आपको यह बताना है कि कितने यूनिट्स का प्रोडक्शन किया जाए और कितने यूनिट्स को सेल किया जाए ताकि ब्रेक इवन आ जाए इन अ मंथ ठीक है तो बेसिकली यहां पर अगर हम प्रॉफिट फंक्शन को लिखेंगे सो दैट विल बी रिवेन्यू फंक्शन माइनस कोस्ट फंक्शन अब प्रॉफिट यहां पर बिल्कुल नहीं होना चाहिए जैसा कि हमको बताया गया है ब्रेक इवन के लिए नो प्रॉफिट नो लॉस मतलब इसकी वैल्यू जीरो होनी चाहिए यहां से अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे तो बेसिकली आपको मिलेगा रिवेन्यू फंक्शन इज इक्वल टू कोस्ट फंक्शन अब ए पार्ट और बी पार्ट में हमने रिवेन्यू फंक्शन और कोस्ट फंक्शन तो लिखा ही हुआ है ये रहा रिवेन्यू फंक्शन और ये रहा आपका कोस्ट फंक्शन फिफ्टीन थाउजेंड प्लस थर्टी एक्स यहां से हमें एक्स की वैल्यू निकालनी पड़ेगी 30x को आप एलएचएस में ले आओ ये बन जाएगा 15x 45x में से 30x को सबट्रैक्ट कर दो और ये आपका 15000 ऑलरेडी है अब इसे फर्दर सिंपलीफाई करोगे यानी दोनों तरफ 15 से डिवाइड करोगे तो आपको x की वैल्यू मिल जाएगी 1000 यानी इतने यूनिट्स एक मंथ में बनाने पड़ेंगे और सेल करने पड़ेंगे समझ गए अच्छा फिर इसके बाद लास्ट क्वेश्चन यानी डी पार्ट में क्या पूछा हुआ है इसको भी देख लेते हैं तो डी पार्ट में कह रहा है व्हाट इज द मंथली कोस्ट बोर्न बाय द स्टूडेंट इफ द स्टूडेंट डिसाइडेड टू मैन्युफैक्चर 1500 यूनिट्स इन अ मंथ देखो बेटा डी पार्ट के लिए हमें जाना पड़ेगा ए पार्ट में जो कॉस्ट फंक्शन लिखा था उसके पास तो कॉस्ट फंक्शन ये रहा ठीक है ना यहां पर बेसिकली हमने x यूनिट का मैन्युफैक्चरिंग किया होगा अब x की वैल्यू क्या हो गई तो 1500 यूनिट हो गई जैसा कि डी पार्ट में हमें बताया गया है तो यहां पर x की जगह पे आप जैसे ही 1500 डालोगे यानी 1500 तो अब आपको बताना है कि ये क्या बनने वाला है तो बेटा ये तो आपका फिफ्टीन थाउजेंड एज इट इज रहेगा थर्टी इंटू एक्स एक्स मतलब फिफ्टीन आप इसे फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे ये आपका फिफ्टीन थाउजेंड एज इट इज रहने दो थ्री को भी एज इट इज रहने दो और यहां मल्टीप्लाई में इसे कर दो समझे पर थर्टी के एक जीरो को हमने फिफ्टीन थाउजेंड कॉमन लेते ही अंदर बचेगा वन प्लस थ्री अब इसे फर्दर सिंप्लीफाई करने का मतलब है फिफ्टीन थाउजेंड इंटू फोर यानी यह आपका हो जाएगा सिक्सटी थाउजेंड तो इतने रुपीज का मंथली आएगा इस स्टूडेंट को जिसने ये स्मॉल स्केल बिजनेस स्टार्ट किया है ठीक है ठीक बच्चों आई होप आप लोगों को ये पूरा क्वेश्चन सही से समझ में आ गया होगा और अब इस वीडियो को लाइक करके इसे अपने सभी क्लासमेट्स को शेयर करके आप मुझे सपोर्ट जरूर करेंगे अपार्ट फ्रॉम दैट इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन भी प्रेस कर लेना ठीक है बच्चों चलिए मिलते हैं अब हम नेक्स्ट लेक्चर में टिल देन गुड टेक केयर ऑल द बेस्ट थैंक यू बच्चो